आज संयुक्त किसान योजना द्वारा किया भारत बंद का प्रभाव पूरे देश भर में देखने को मिला। सुबह 6 बजे से शुरू ये आंदोलन शाम के 4 बजे तक चला। सारे सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षा संस्थान, दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद देखने को मिले। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा जो आंदोलन है वो अब और तेज हो रहा है। उनकी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या है वो 3 कानून जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई कहता है सही तो कोई गलत। एक तरफ विरोध की राजनीति है तो एक तरफ देश की प्रगति। 5 जून 2020 को भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भारत में कानून के रूप में पेश किया गया था ये 3 कृषि कानून। इस कानून को जानने से पहले हम आपको APMC यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी, जिसको सरकारी मंडी भी कहा जा सकता है, उसके बारे बता दें। APMC के अंतर्गत पहले किसान अपनी फसल उगाकर सीधा इस सरकारी मंडी में बेच देती थी, जहां इनको कुछ टैक्स भी देना पड़ता था। इसके मुताबिक किसान जो है अपने राज्य में ही अपनी फसल बेच सकते थे। अब इन कानून के आने की वजह से माना जा रहा है कि अब APMC को हटा दिया जाएगा। तो बात करते हैं पहले कानून की, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य और सरलीकरण अधिनियम। इसके द्वारा किसान जो है वो किसी भी राज्य के मंडी में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, वो भी किसी अतिरिक्त के बिना। पहले ये किसान APMC में बेचा करती थी। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इसके द्वारा किसान जो है अपने फसलों को खेत में बोने से पहले ही बेच सकता है। इससे एक लाभ है, जो फसल खराब होने का भय होता है अब उससे मुक्त हो सकते हैं। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। पहले व्यापारी भारी मात्रा में स्टॉक खरीद कर जमा कर देते थे और फिर उसे बाद में बाजार में लाते, जिससे उस फसल की कीमत दुगनी हो जाती थी। इसलिए सरकार ने एक फसल के स्टॉक पर एक लिमिट लगा दी है। इस कानून के अंतर्गत लिमिट को हटा दिया गया है। अब ये 3 ही कानून सुनने में तो काफ़ी लाभदायक लग रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसे कि पहले कानून में बताया गया कि कोई भी उन फसलों को खरीद सकता है, तो ऐसे में उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, ये किसानों का कहना है। जैसे कि ये APMC के अंदर फसल नहीं बेची जाएगी तो उनके द्वारा जो टैक्स कटता है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए APMC के कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत कहा गया है कि अगर प्राइवेट मंडी और किसान के बीच कुछ विवाद होता है तो इसकी शिकायत वो सिविल कोर्ट नहीं ले जा सकते, उसे SDM ही सुलझाएगी। अब किसान का कहना है कि SDM तो प्राइवेट व्यापारियों की ही सुनेगी, क्योंकि वो पैसे वाले हैं और ताकतवर भी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के हैं, क्योंकि वो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि बोने से पहले की ही दाम लगा दिया जाता था, उसका लाभ लेते हैं, जो कि ज़्यादातर गेहूँ और चावल पर ही लगाया जाता है। उनका मानना है कि धीरे धीरे ये MSP को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने मान लिया है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पर वो ये चीज़ लिखित में मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सरकार अपने फैसले पे टिके रहेगी या किसानों द्वारा किया जा रहा 10 महीने से आंदोलन के हित में फैसला लिया जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगड़ा, द वन यू ट्रस्ट। आज सारा भारतवर्ष रे चाषी मैंने आंदोलनरत अच्छा, आज नुआ कथा नुहे। विगत दिन आपण मैंने अनेक बार गणमाध्यम माध्यम रे जनता दरबार रे हानुरी पारुछन। इटा पहले तो मुझे आपण मानक धन्यवाद देवी कृषक संगठन तरफ रु। विगत 10 मास आज चली दिल्ली दरबार रे अहर आंदोलन रहीछन। 600 ऊर्ध चाषी आत्महत्या कले न, तथापि केन्द्र सरकार दृष्टिपात न हबार, जार लगे आज सारा भारतवर्ष रे चाषी उत्तेजित होइछे आ 12 घंटिया बंद डाकरा दे। तार परिप्रेक्षी झारसुगुड़ा जिले रे कृषक संगठन सहित अनेक गणमाध्यम एवं राजनीतिक दल केवल BJP पार्टी और BJD जनता दल को छाड़देला परे समस्त राजनैतिक दल कृषक संगठन सांगे अच्छन आ समस्त आंदोलन में सामिल अच्छन। आगामी दिन में देश में जिन प्रकार भयावह सृष्टि होगा इतार लगी केन्द्र सरकार उत्तरदायी रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज भारत स्वाधीन होगा पूर्व चाषी मान सहित अच्छी, आज भी अच्छी, कल भी रहा। नरेन्द्र मोदी सरकार जो कृषक मान कृषक मानना नीति जो अपणाई तीन टा कला कृषि आईन को आम वामपंथी दल तरफ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरफ़ श्रमिक संगठन तरफ़ संपूर्ण भाव विरोध करुँ। कला कृषि आईन जे दिन पर्यटन बातिल न हुए
সেদিন পর্যন্ত আমি চাষী সমাজ কৃষক সমাজ সহ রহব এবং দুর্বার আন্দোলন করব আপরে আগে যেপরে দেশের হিতপ্রাই এই আইনকে আমি প্রত্যাহার করব সেই নিয়ে আমি আজ আসিছু আপন মানে জাঁয়া কথা দীর্ঘ ন মাস হব সঞ্জিত কিষাণ মোর্চা আহ্বানের দিল্লি আন্দোলন অহরহ চালছি অনেক লোক আমার শহীদ হয়ে গেলে তাপরে বি এ সরকার এ কর্পোরেটর মানকর সপক্ষে রহি এই যে শ্রমিক মানুষ চাষী মানুষ যে শোষণ করা যে লাগিছে তাকে আমার সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ দল সংগঠন গণসংগঠন এবং আমার সামাজিক সংগঠন আমার চাষী সংগঠন মিলিত ভাবে আমি তাকে প্রত্যাহত করব। আজ আমার বস মোটর সব বন্ধ আছে, তারপরে দোকান বাজার বন্ধ আছে, স্কুল কলেজ দপ্তর সব বন্ধ আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি বি করেছ, গণমাধ্যম জরিয়ারে বি কইছ, নিজে ফিজিক্যালি যাইকরি আমি আপ্রোচ লেটর বি দেইছ। আর সম্পূর্ণ ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে পুরো যাত্রা বন্ধ চালন চালিছে আর চালিব। এটা ছ বারো ঘন্টা আমি এই যাত্রা দেইছ। তিনটা যে কলা আইন বনাইছেন কেন্দ্র সরকার তার বিরুদ্ধে আজ আমি ঝারসুড়া জেলা কৃষক সংগঠন তরফর ছ সকাল ছটা পর্যন্ত আমি বন্ধ ডাকরা দিয়েছু। খালি মেডিকাল ছাড়িকি সমস্ত সেক্টরক আমি জনাই দিয়েছু বন্ধ হব কী। যেবে পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার ইয়ে কলা আইনক প্রত্যাখ্যান ন করবে আমি লড়াই জারি রাখিবু। আগামী দিনের যদি কেন্দ্র সরকার কথা ন বুঝিবে আমি রাজরাস্তরকে ওল্লাইকি ভয়ঙ্কর রূপে লড়াই হব। फ्रेश ट्रिप कैब जल्द आ रहा है आपके शहर झारसुगड़ा में। फ्रेश ट्रिप कैब आपके लिए लेके आए हैं घर बैठे पैसे कमाने का मौका। आप अपने कार को फ्रेश ट्रिप कैब के साथ जोड़कर कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। तो देर ना करते हुए आज ही नीचे दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करें।